छठ महापर्व यह परंपरागत पर्व महान माना जाता है और बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के लिए एक बड़ा महापर्व माना जाता है। और इसमें जमीन से जुड़ी हर चीज को निभाया जाता है, किया जाता है, काफी शुद्धता के साथ किया जाता है। तो हम बात शुरुआत दौर से ही करते हैं, थोड़ा सा पहले परिचय दे देते हैं। मेरा नाम सुनील बॉबी है और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब अगर नहीं किए होंगे तो जरूर कर लीजिएगा। छठ के हर बिंदुओं पर हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि छठ में जो प्रसाद बनता है तो किस चीज़ पर बनता है। देखिए, आज जो समय है बिल्कुल कह सकते हैं कि गैस चूल्हे पर ही भोजन बनता है। सब जगह हर छोटा आदमी हो बड़ा आदमी हो गैस चूल्हे का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस महापर्व छठ में जो प्रसाद बनता है या भोजन बनता है तो वह एक शुद्ध मिट्टी से बना हुआ एक चूल्हे पर बनता है। हम दिखा सकते हैं कि यह परंपरागत चूल्हे जो अब गैस चूल्हे को भी गैस चूल्हा रहते हुए भी इस पर्व में, इस महापर्व में इसी चूल्हे पर लोग प्रसाद बनाया करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि ये चूल्हे जो हैं यह यहाँ पर एक खेतों के बीच में बनाया गया है शुद्धता के ध्यान में रखते हुए, ताकि शुद्धता, आखिर ये मिट्टी आता है कहाँ से और कैसे बनता है इस पर हम बताएंगे। देखिए, यहाँ पर जो है जो भी इस कार्य को करने के लिए हैं, इसमें जो इस चूल्हे को बेचते हैं, मिट्टी लाते हैं, खेतों से मिट्टी लाते हैं। और यह देखिए धान और गेहूं का पोरे का, इसको हम पौटी बोलते हैं, मिट्टी और पौटी को दोनों को मिलाकर और इस चूल्हे को निर्माण कराया जाता है और तब जाकर चूल्हा। अब दिखाएंगे कि इसमें काफी शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। कहा जाता है कि जो खेतों का मिट्टी होता है काफी शुद्ध होता है। देखिए किस प्रकार से यहाँ मिट्टी उठाव किया जाता है, मिट्टी को कटान किया जाता है और इसका अलग तरह का होता है कि एकदम ऊपर की भाग को हटा दिया जाता है और अंदर से आप देख सकते हैं कि अंदर से इस मिट्टी को निकाला जाता है। इस तरह से देखिए, इस तरह से मिट्टी को निकालकर शुद्धता का काफ़ी ध्यान रखा जाता है और फिर जगह पर ले जाकर वहाँ पोटी मिलाकर चूल्हा बनाने का कार्य किया जाता है। तो निश्चित तौर पर आप चाहे शहर से हो या गांव से हो, आपके घर में भी अगर छठ होता होगा तो इसी मिट्टी से बने हुए बिल्कुल चूल्हे का निर्माण कराकर किया जाता है। कहीं कहीं ऐसा भी देखने के लिए मिलता है कि जहाँ चूल्हे का अभाव होता है, नहीं मिल पाता है, तो लोग ईंटों पर भी रखकर बनाया करते हैं, लेकिन शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ईंट भी बनता है तो वह भी मिट्टी का ही बनता है। हमारे साथ आगे जुड़े रहिए, हम दिखाएंगे कि किस तरह से लोग बनाए हैं और क्या करते हैं, कैसे बेचते हैं और कितना शुद्धता का ध्यान रखते हैं। मिट्टी से बने चूल्हे, इसका क्या महत्व है, कितने में बिकते हैं, कुछ ग्रामीण हमारे साथ में हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? नाम है धनंजय यादव। ये जो चूल्हे बनाए गए हैं, इस चूल्हे का छठ में क्या महत्व है? इसी चूल्हे पर बनता है? हाँ। जो प्रसाद होता है? हाँ, ये चूल्हा। तो यहाँ के स्थानीय लोग बनाए हुए हैं बेचने के लिए? हाँ। कितना में बिकता होगा? हाँ, 40-50। 40-50 में बिकता है। तो करीब कितने चूल्हे यहाँ पर बना के लोग बेच देते होंगे? यही है, ज्यादा बन रही है, 20 गो होता है। 20 गो और लोग बनाते होंगे। हाँ। उस समय जो यहाँ छठ करने आते होंगे वे खरीदते होंगे। हाँ। इसी का महत्व है। हाँ। गैस चूल्हा वगैरह पर नहीं बनता ना, वो पूजा नहीं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, कुछ बुजुर्ग भी देखिए यहाँ पर आ रहे हैं, ये बेहतर बताएंगे हम लोगों को कि चूल्हे का यहाँ पर क्या महत्व है। यहाँ लोग छठ करने आते हैं बाबा, तो इस चूल्हे का क्या करते हैं? चूल्हे से इस पर जैसे प्रसाद वगैरह सब बनाते हैं, खरीद करके जैसे 30-40 रुपया में चूल्हा बिकता है। तो ऐसा ऐसा बहुत सारे आदमी कुम्हार लोग हैं, सब बनाते हैं। शुद्ध हो गया? हाँ, शुद्ध हो गया। कितने जैसे कि जमीन में खोद करके लकड़ी पर, आम के लकड़ी पर, जलावन पर, खाने चूल्हे में आम के लकड़ी से ही मतलब कि हाँ, बनता है। आम के लकड़ी या गन्ने का चीपू हो उससे खाना बनता मतलब है। शुरू से ही मैंने इस पर शुरू से ही इसका महत्व आते रहा, जबकि आज तो गैस चूल्हा भी उपलब्ध है। गैस चूल्हा जिसको यहाँ सुविधा नहीं, जैसे कि अपना घर से लेकर आया वो अपना गैस चूल्हे पर। महत्व इसी का है, महत्व इसी चूल्हे का है। कितना में बिकता होगा? 30-40 रुपया में बिकता है एक चूल्हा। आपका बाबा नाम? मेरा नाम रामचंद्र साहब है, घर भवानीपुर है, पोस्ट देव है, जिला औरंगाबाद है। तो बिल्कुल आपने देखा कि ग्रामीण जो हैं इसकी महत्ता को भी बता रहे हैं और हमारे सहयोगी भी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अभय जी, आप इस चूल्हे के महत्व के बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बता दें। धन्यवाद सुनील। देखिए,
ये जो आर्थिक पक्ष जो होता है, सबसे कहा जाता है कि भगवान से अगर कोई कुछ मांगता है तो सबसे पहले पेट में भोजन मांगता है, उसके बाद बाल बच्चा परिवार समृद्धि मांगता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये चूल्हा जलता है तो पेट भरता है, लेकिन किसी का चूल्हा बिकता है तब पेट भरता है। चूल्हा कितना में बिकी थी? हाँ, 10 रुपये। कितना पीस आप लोग बना लेते होंगे? कितना बनाते हैं? कोई 100 को, कोई 50 को। हाँ, 150 को। हाँ, 30 रुपया, 40 रुपया में बिकता ही है चीज। 40 नहीं बिकता है, 10 में। 10 में एक वो। हाँ, 10 में वो। उतना में नहीं नहीं दे होता है, कोई कोई 8 रुपया दे वाला तैयार नहीं होता है। तो भक्ति में आप दे दिए। हाँ, बनता है प्रसाद। खीर बनता है? अच्छा, के लोहड़ा के। अच्छा, खीर पूरी बना ना है? खीर पूरी बनता है, अब प्रसादी अग्रोता बना है यार भगवान को। इतना वाली बना के बता कर दो सब पर बैठे। कितना का बिका? और दो 500 को, 200 को दे दे। एक को बना ले बाऊं। अब ये तो बनवाई थी, भूजा रहा था कि नहीं कितना दिन में चूल्हा बन जाए वाला? कितना दिन में तैयार हो जाता है? कितना दिन होते अभी पारे थी, कब तक पर हूँ? कितना दिन पूरा मेहनत कर? 5 रोज पारिएगा, 5 रोज में सब तैयार हो जाएगा। एक चूल्हा तैयार करे एक चूल्हा, एक दिन तो आधे ना बनता है, दूसरा दिन बनता है।